अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाऊंगी मैक्रोनी पास्ता। मैंने सबसे पहले कढ़ाई ले ली है, उसमें पानी डालेंगे, फिर आप अपना पास्ता डाल लें। इसे बॉईल करना है। बॉईल करते टाइम हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल। अब इसे 10 मिनट उबलने देते हैं। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना, तब हम बनाएंगे। पास्ता हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 मीडियम साइज़ का टमाटो, अनियन, 2 से 3 ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर, ये बीन पीस ली। इन सबको मैंने बारीक चॉपर कर लिया है। मैं आज बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, जो घर में इंग्रेडिएंट है बस उनसे ही बना रही हूँ। कढ़ाई में अब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी। बिस्मिल्लाह। ज़ीरा डालने के बाद अनियन डालूँगी। अनियन हमारी थोड़ी पक चुकी है, तो मैं अब इसके अंदर टमाटर डालूँगी। टमाटर, मटर, मिर्चें सब मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने लिए 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, ये लाल मिर्च पाउडर। मसालों को अच्छे से पकने देंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। देखो ऑयल थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगे। अब इसके अंदर मैक्रोनी पास्ता ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गार्निश के लिए मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूंगी। मैक्रोनी पास्ता हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।